ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में स्वर्णिम भारत रथ यात्रा कार्यक्रम के तहत गुरुवार को स्वर्णिम रथ यात्रा ब्यावर पहुंची। इस दौरान शहर के मोहम्मद अली मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मा कुमारी ब्यावर की गंगा बहन ने उपस्थित बच्चों को सकारात्मक सोच एवं मानसिक शांति को जीवन में अपनाने का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा खेतों में रासायनिक खाद कीटनाशक दवाइयों से खेती की जा रही है, जिससे हमारा तन मन दोनों दूषित हो रहे हैं। इसी से प्राप्त आय रोगों के उपचार पर ही खर्च हो रही है, साथ ही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां पनप रही है। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए जैविक शाश्वत यौगिक खेती को बढ़ाना होगा। किसान भाइयों को चाहिए कि खेतों में गोबर गौमूत्र और देशी खाद का प्रयोग करेंगे तो सभी रोग से मुक्त हो जाएंगे और हमारा गांव गोकुल गांव बन जाएगा। श्रेष्ठ संस्कारों से ही श्रेष्ठ सभा नव निर्माण संभव है, जो हमारे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को पहचान रही है। इस दौरान बच्चे को सवेरे उठकर माता पिता का आदर करने सहित किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सचिन भाई तथा हर्षा बहन सहित अन्य उपस्थित थे।